एक छोटी सी लड़की है मन में बसी हुई। बेड़ा रे भाई, दुनिया बदल गई पर आप बूढ़ी होने को राजी नहीं होती, है ना? क्यों, अपने क्लास में गंभीर ही तो रहती हूँ मैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि आखिर इंसान हर वक्त लंबा तिकोना चौकोना मुंह बना के क्यों रहे पोंछे की तरह? हाँ, अरे दुनिया में आए हो तो खूब हंसो गाओ खेलो कूदो और नाचने को मिले तो नाचो भी। सच कहती हूँ, कोई संकोच कोई शर्म कोई लिहाज मत रखो। अच्छा आप ही बताइए, अगर आपकी जिंदगी तबाह हो गई तो क्या कोई और देगा? हाँ क्यों सुखात में साहब, कहिए कोई देगा? पर इससे तुकाराम महाराज भी ऐसे कहते। लेकिन छोड़िए, तुकाराम महाराज की छोड़िए, मेरी सुनिए। मैं कहती हूँ, मैं लीला बिना एक जीती जाती हुई औरत अपने अनुभव से ये कहती है कि जिंदगी जो होती है वो किसी के लिए नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होती है और होनी भी चाहिए, वो बड़े महत्व की है। उसका तो हर पल हर कण अनमोल है। Here, नहीं, देयर। क्या हुआ? मैं बता दूं, पुंगशे, कसम खा के सच सच बता कि प्रोग्राम के पहले की नर्वसनेस में जिस बात की तुम्हें जरूरत पड़ती है उसी के लिए तुम गए थे ना भीतर, हाँ? करेक्ट? नॉनसेंस। नॉनसेंस। अच्छा एक अजीब बात बताऊं मैं तुम सबको, जब मैं छोटी थी ना तो बहुत ज्यादा चुप रहा करती, बस गुपचुप मन के लड्डू पकाया करती, किसी से कुछ भी नहीं कहती, और बस जरा सा मन का खिलाफ कुछ हुआ कि नहीं चीख चीख कर आसमान बिल्कुल सर पे उठा लेती थी। अपनी कॉपी वगैरह पे सुंदर कवर वगैरह चढ़ा कर मैं स्कूल के पहले दिन में पहले पन्ने पर मोती जैसे अक्षर बनाकर फूल पत्तियों से सजाकर ये लाइन लिखी थी, द ग्रास इज ग्रीन द रोज इज रेड दिस बुक इज माइन टिल आई एम डेड टिल आई एम डेड। और फिर पता है क्या हुआ? क्या हुआ? कॉपियां तो फटफटा कर ना जाने कहां चली गई और मैं अभी भी जीवित हूं। द ग्रास इज स्टिल ग्रीन द रोज इज स्टिल रेड बट आई एम नॉट डेड नॉट डेड। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। द ग्रास इज ग्रीन द रोज इज रेड और वो अपने बीच वाला क्या समझ रहा है भाई? रोक रे, ये आदत बहुत बुरी है। मैं अपनी क्लास की लड़कियों से भी हमेशा कहती हूँ कि आधी बात सुन के हमेशा उसे फौरन लिखने की जल्दी मत मचाया करो, पहले सुनो एकाग्र मन से ध्यान से सुनो, उसे आत्मसात करो, फिर वो अपने ही आप तुम्हारे अंदर बैठ जाएगी, तुम्हारे रक्त में घुल मिल जाएगा। और जो रक्त में घुल मिल जाता है उसे कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं भूल सकता उसे, समझे? हाँ बेटा भाई आप आगे बोलिए। हाँ तो मैं कहानी सुनाऊँ? बच्चों सब चुप करके बैठो, मैं कहानी सुनाने वाली हूँ। तो बच्चों हो जाए हो जाए हो जाए, शुरू तो करने दीजिए। नहीं कहानी नहीं छोड़ो, कहानी छोड़ो, कहानी छोड़ो, मैं कविता सुनती हूँ, भावपूर्ण कविता, बीच में भूल सकती हूँ तो हंसना मत। ये मेरे पाँव किसी खतरनाक राह पर चलते जाते हैं, एक के बाद एक आती है उठना की लहर, अंधी सी टकराती है आपस में, बिखर जाती है हमेशा की तरह, रोशनी अंधेरे को नकार कर चमकती है मगर फिर भूल जाती है उसी अंधेरे को। युद्ध होते ही कुछ ऐसे जिनकी परिणति सिर्फ अनाज, व्यर्थ जाने को ही देने होते हैं कुछ अंदर। मैं ना एक गाना सुनाती हूँ, हाँ अच्छा वाला गाना। मलाट का बुढ़ा शकुटी में आया, मलाट का बुढ़ा शकुटी में आया, मलाट का बुढ़ा बुढ़े की बीवी, बीवी का लड़का लड़के की दाई, दाई का दाई। क्यों नहीं कहानी साफ आ गए? ठीक तो ना साफ कर रहा है। गया है भाई, गा रहे थे सुंदर।